ज्यादा मुझे क्यों डरा रही हो? अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान है, आज पहला रोज़ा है, तो आज पता चला कि भाई आज रमज़ान है और तरावी हो गई थी, तो कंफर्म हो गया था कि भाई आज रोज़ा है, पहला रोज़ा। तो तरावी हो गई थी, फिर हमने तरावी पढ़ ली, तरावी और इशा की नमाज़ साथ ही पढ़नी थी, जाहिर सी बात है। नमाज वगैरह पढ़ के फिर रात हो गई, फिर इंतज़ार, आज तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा था कि भाई मतलब सेहरी करनी है। अच्छा लग रहा था हर तरफ से, बस मुबारकबाद आ रही थी रमज़ान की। तो आप सब लोगों को भी मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो, बहुत बहुत। अभी तो मैं ये खा रही हूँ। और ये केक है, क्यों ना सहरी से पहले कुछ मीठा हो जाए। अभी मामा और सिस्टर दोनों सहरी बना रहे हैं, दोनों सहरी की तैयारी में लगे हुए हैं। और ये मेरा छोटा सा बच्चा है, फेलू है ना, और जिस बहुत ज़्यादा बीमार है, ये बहुत ज़्यादा बीमार है और इसके पाँव में लग चुकी है ना। क्या लगा आपके पाँव में, बताओ सर? इसके पाँव में चोट लग गई है और ये बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या लगा है, मुझे नहीं पता इसे क्या लगा है। मैंने इसे दवाई वगैरह पिलाई है और इसको जो है ना, दिखाना ज़रा, फैलो फैलो दिखाओ, छोटे से बेबी। अभी मैंने इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है आज, हाँ रात में, मतलब कल मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊँगी इंशाल्लाह, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मेरा छोटा सा बेबी है ना, फैलो देखो। ये ठीक हो जाएगा एकदम से। ये मेरी सिर्फ पराठे बना रही है, सेरी की तैयारी चल रही है बहुत ज़ोरदार से। ये मामा जो है पराठे बेल रही है, हाँ बेल रही है। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, सेहरी बन जाएगी, फिर उसके बाद हमने सेहरी खानी है। फिर अभी मैं जाग रही हूँ और मेरी बहन जाग रही है और मामा है और छोटा भाई जो बाहर है गली में ही बैठा हुआ है, और बाकी सब सो रहे हैं और मेरे सर ये जाग रहा है, ये पहलू। बस ये मैं वहाँ थी तो वहाँ पर आ गई, अब मैं यहाँ आ गई तो ये यहाँ पर आ गई है। ये गंदा फैलू कहाँ मेरे पास आ जाता है बार बार, है ना। इसकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन फिर भी इसने मेरी जान नहीं छोड़नी। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। खा भी नहीं पा रही ना सही से, लगी हुई है ना इसको, अब मैं उठाऊँ इसको दर्द हो पता नहीं है ना इस वजह से। बाकी का व्लॉग हम कंप्लीट करेंगे सेहरी के टाइम पे, जब सेहरी हमारी लग जाएगी तब हम कंप्लीट करेंगे अपना व्लॉग। क्या हुआ, ये तो डालो, क्या हुआ मेरा छोटा बेबी, मियाओ 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 मियाओ। ये मेरी मानो का, ये छोटा सा है, मेरी मानो का केचर है जो मैंने लगाया है, कुछ उस छोटा सा है, हाँ उसके लिए लेकर आए थे। ये मैंने लगा लिया था अपने बालों में, मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ, कोई मसला नहीं है थोड़ा सा। अब इसका नहीं, छोटा बेबी है ना, इसका नहीं है, ये मेरी बड़ी वाली मानो का है, मानो का, इनकी मम्मा का है। अभी छोटा भाई सो रहा है ना वो, और मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है, जहाँ से बात है बहुत गर्मी है तो मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है, तो वो जाएगा, इसलिए मैं अभी अपना व्लॉग अभी रोक देती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना कंप्लीट करूँगी। ये हमारा दस्तरखान लग गया है, ये कढ़ाई है चिकन कढ़ाई, और ये है पराठे, और चाय वगैरह सब कुछ हमारी लग गई है। ये दही निकाल रही है मामा।
और ये है चाय हमारी। फाइनली हमने नमाज पढ़ ली है, रोज़ा हो गया, हमारा रोज़ा रख लिया है और नमाज पढ़ ली है, कुरान पाक भी पढ़ लिया है। अब जो है ना, स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ कि बस सहरी करते ही ना, मत पूछो, दिल ही नहीं कर रहा था भाई उठने का। मैं तो लेट गई, बस गलती हो गई मुझसे, मैं लेट गई और लेट गई ना, फिर मुझसे उठा ही नहीं गया। लेटे हुए जैसे मतलब ऐसा लगा था सारा काम मैंने किया है भाई, ना थक गई थी मैं इतना ज़्यादा। जैसे सहरी सब मैंने ही बनाई है, सहरी लगाई भी मैंने, सामान सब कुछ मैंने किया, इतना ज़्यादा मैं थक गई। फिर उसके बाद जो है ना, तकरीबन 20 या आधा घंटा मैंने, आधा घंटे तक मैंने, हाँ मैं लेटी रही हूँ, ठीक है, आराम करती रही हूँ। फिर उसके बाद मैं उठी हूँ, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी है, फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा है, आज के बाद जाके मैंने अपने छोटे छोटे बेबीज़ को खाना दिया है। और पता है कि मेरा एक छोटा बेबी बीमार है, तो उसे मैंने खिलाया है, हाथ से ही खिला रही थी मैं उसे बैठ के, काफ़ी देर तक उसने मतलब काफ़ी टाइम लगाया उसने खाने में। तो अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 8 बज गए, तो फिर मैंने उसको खाना वगैरह दे दिया। और अब जो है ना, फिर मानो को दिया, मानो भी बहुत ज़्यादा पता नहीं उसे क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा उसे हुआ क्या है ना। उसे मैं बाहर छोड़ती हूँ, शायद मैं नीचे मतलब रात के टाइम पे ना नीचे जाती है ना, तो मतलब शायद मम्मा कहती है कि मैं नहीं छोड़ा करो उसको, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया शायद उसे। मतलब कुछ मम्मा तो मुझे डराती रहती है कि नहीं छोड़ा करो इस तरह से वाइट चीज़ें ना, लेकिन मैं फिर भी उसे खुला छोड़ देती हूँ कि भाई वो फिरती रहे, आज़ाद रात का टाइम मिलता है फिर उसे आज़ादी का। बाकी दिन भर तो लोग आना जाना लगाए हुए होता है लोगों ने, बस दरवाज़ा खुलता रहता है खुलता रहता है। तो जाहिर है कि मुझे ये डर रहता है कि कहीं मानो बाहर ही ना चली जाए ना, और बाहर चली गई तो मेरे पास से चली जाएगी, दोबारा उसमें नहीं आना, बस यही बात है। और फिर वो रात में खोलती हूँ मैं उसे, तो इसमें ये है कि आज तो बहुत ज़्यादा उसका जीत था, बस डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी इतनी ज़्यादा कि मुझे जो है ना बड़ा डर लग रहा था डरावनी आवाज़ों से। बस टेंशन है मुझे इसकी, ना वो खाना खा रही है, बस मैं इसके मुंह की तरफ खाना लेकर आती वो एकदम से अजीब सी आवाज़ें निकालने लग जाती, अरे भाई क्या हो गया तुम्हें इतनी ज़्यादा मुझे क्यों डरा रही हो। नहीं भाई उसने तो कुछ भी नहीं करना, बस मुझे डराना ही है ना, तो मुझे इस बात से बहुत टेंशन हो रही है। अब मैं मम्मा को बताऊँगी कि भाई इसको देखो इसको हुआ क्या है, इसके मुँह में कुछ हुआ है, इसको खाया नहीं जा रहा है इससे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इसको डॉक्टर के पास ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं चलेगा क्या क्या हुआ क्या नहीं। तो फिर जो है ना, बस उसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तभी तो इसका हल पता चलेगा कैसे हुआ क्या है बेचारी को, मानो को इतना डरावनी आवाज़ ना मत पूछो। खैर अब जो है ना, हमारा तक रोज़ा आज का, जब रात में तरावी हुई थी ना, तब पहला हमारा था तरावी, ठीक है, तरावी था, फिर उसके बाद सहरी बनाना, फिर सहरी हो गई, फिर उसके बाद सहरी खाना, फिर नमाज़ पढ़ना। तकरीबन अब हमारा आधा से ज़्यादा आधा रोज़ा तो गुजर गया, ठीक है, आधा टाइम। अब जो है ना हमारा रोज़ा खुल जाएगा, मतलब तारीख का टाइम हो जाएगा, फिर हो जाएगी हमारी, हमारा एक रोज़ा पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम सहरी तक ही ब्लॉग बनाएंगे, हम अपना सहरी तक का ही, अभी हमने सहरी कर ली है, तो अफ्तारी का ब्लॉग फिर देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।